क्योंकि क्लच का गलत एडजस्टिंग रहेगा तो बाइक रेस नहीं लेगा और बाइक का बहुत जल्द क्लच प्लेट फूट। देखिए मेरे पास TVS कंपनी का अपाचे RTR बाइक का, यहाँ देख रहे RTR लिखा हुआ भी है। और अभी इस बाइक का हम मैनुअल क्लच को एडजस्ट करने वाले हैं। क्लच को किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें जो बाइक का जल्दी क्लच प्लेट ख़राब ना हो, क्योंकि क्लच का गलत एडजस्टिंग रहेगा तो बाइक रेस नहीं लेगा और बाइक का बहुत जल्द क्लच प्लेट फूक जाएगा, जल जाएगा और आपको 1500-2000 तक आपको लॉस लग सकता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास TVS बाइक है और इस बाइक का यहाँ पर देखिए क्लच इतना गलत एडजस्टिंग है कि क्लच के अंदर देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर दीजिए थोड़ा भी इसके अंदर फॉल्स नहीं है, थोड़ा इसके अंदर साइड प्ले होना चाहिए इस तरह थोड़ा प्ले, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत भी इसके अंदर प्ले नहीं है। इससे क्या होगा बाइक का ड्राइवर में स्टार्ट करके बाइक को फर्स्ट गियर डाल करके आगे बढ़ाएंगे तो बाइक आगे नहीं बढ़ेगा और भूमियाएगा, काफ़ी ज़्यादा इंजन से साउंड आएगा। अगर इस तरह से क्लच एडजस्ट रहेगा तो और आपका बाइक का क्लच प्लेट बहुत जल्द जल जाएगा। तो क्लच को किस तरह से मैनुअल एडजस्ट करना है टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो में एंड तक होने का, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर यहाँ पे बात करें तो देखिए जैसे ही यहाँ से क्लच को हम दबा रहे, देखिए थोड़ा भी इसके अंदर, देखिए थोड़ा भी इसके अंदर साइड प्ले नहीं है, देख रहे हैं आप थोड़ा भी इसके अंदर प्ले नहीं है, क्लच के अंदर थोड़ा प्ले होना चाहिए। यहाँ देखिए जैसे ही इसका क्लच को दबा भी रहे तो काफ़ी टेंट से क्लच दब रहा है, क्योंकि क्लच के अंदर तो थोड़ा बहुत भी प्ले तो है नहीं। इसको मैनुअल चलिए हम फटाफट से आपको क्लच को एडजस्ट करके दिखलाते हैं। 2 ठो 12 mm का डाल रिंच, अगर 2 ठो पाना है तो आप क्लच को प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर 1 भी पाना है तो आप क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर बोल्ट रन करेगा तो उसके लिए आपको 2 पाना चाहिए। अगर एक तरफ से रन नहीं कर, दोनों तरफ से रन नहीं करा तो आप एक ही रिंच से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट वाले नट को इस तरह थोड़ा ढीला कर लेना, देखिए इस तरह से हम ढीला कर लिए, पीछे वाले नट को प्रॉपर हम ढीला कर, दोनों नट को देखिए इस तरह से हम ढीला कर लेते हैं। देखिए क्लच अभी प्रॉपर ढीला हो गया है, आपको थोड़ा यहाँ से देखिए क्लच यहाँ से भी ढीला है। अगर उसके बाद यहाँ पे बात कर तो देखिए क्लच के अंदर कितना ज़्यादा प्ले आ गया, इतना भी प्ले रहेगा तो आपका बाइक का गियर लगाने में प्रॉब्लम है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगा, तो इतना भी गैप नहीं रखना कि गियर आपको क्लच दबाने में गियर लगाने में प्रॉब्लम हो। तो क्लच को एडजस्ट करने के लिए जो हम लोगों का सिंपल सा ट्रिक है ये हम आपको बता रहे हैं, पीछे वाले नट को बिल्कुल ढीला कर देना है, क्लच वायर को थोड़ा इस तरफ से आगे कर देना है, कस के नहीं करना है, थोड़ा है देखिए इतना आगे कर दें, अभी ऑटोमेटिक क्लच है, इतना पे जाके इसका जो अंदर में जो लगा है क्लच ठेसी वो प्रॉपर क्लच फिंगर में जाकर अटैच हो गया है। अब इसको इस तरह से रखना है, इस नट को यहाँ से यहाँ तक टेस्ट से टेंट कर देंगे, इस तरह से हमें टेंट कर लिए, उसके बाद इस नट को यहाँ से टेंट करना है, देखिए नट प्रॉपर टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लच जो है, देखिए क्लच के अंदर देखिए थोड़ा प्ले आ गया, इतना प्ले आपके क्लच के अंदर होना बहुत ही जरूरी है, देखिए अगर इससे ज़्यादा प्ले दीजिए तो आपको गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी थोड़ा प्ले है, तो आप मैनुअल इस तरह से ऑटोमेटिक क्लच करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डाल रिंच एक सेटिंग कर लेना इस तरह से, और पीछे वाले नट को आपको टाइट करना, आगे वाले को नहीं पीछे वाले नट को टाइट कर लेना, देखिए क्लच फाइनली एडजस्ट हो गया, नट को हमने प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे चेकअप करते देखिए क्लच के अंदर प्रॉपर जितना गैप होना चाहिए उतना गैप आ गया है। अब मैनुअल क्लच को अंदर इतना गैप होना बहुत ही जरूरी है, अगर इससे ज़्यादा गैप आएगा तो क्लच आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता। अब इस तरह से क्लच को आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर खुद से, क्लच ज़्यादा टाइट रहेगा तो आपको बदला कि बाइक का क्लच प्लेट फूक जाएगा, क्लच प्लेट जल जाएगा और बाइक प्रॉपर रेस नहीं लेगा, तो क्लच को आप प्रॉपर अच्छा से एडजस्ट करें। देखिए इसके अंदर देखिए इस तरह से सेंटर प्ले होना चाहिए, इतना प्ले तो परफेक्ट होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।